केवल आज मेरे पास है बुटस्टोन 250। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना तो ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है, बट ये मैंने देखा तो अमेजोन पे ये मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। पैकिंग काफी अच्छी है एंड पिछली वीडियो में देखोगे तो मैंने बहुत बड़ा अमेजोन ने मेरे को बॉक्स भेजा था सिर्फ इस स्पीकर के लिए, इतने से स्पीकर के लिए। वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स वाला ये बॉक्स मेरे को लगा है, जो यहाँ पे 5 वोल्ट इम्प्रेसिव साउंड, आरजीबी एलईडी मोड, मेरे को एक अच्छी चीज लगी, आईपैक 7 रेटिंग के साथ आता है, गो विद द फ्लो, ये मल्टी कनेक्ट, यहाँ पे आप टीएफ कार्ड, ऑक्स, ब्लूटूथ 5.0, लाइट बिल्ड है एंड यूएसबी टाइप सी इंटरफेस है, स्मूथ कंट्रोल है, 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है विदाउट एलईडी, ये तो मतलब काफी कुछ है। तो हटा देते हैं, सबसे पहले जो आता है एंड ये आपका स्पीकर रखते हैं साइड में, टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है एंड काफी अच्छी पैकिंग है एंड ये है ऑक्स, मतलब दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी है एंड बाकी बोट के जो बोट देता ही है यार, बहुत कुछ देता है बोट। ये आपका वारंटी कार्ड है, ये इनका प्रमोशनल है एंड ये आपका यूजर मैनुअल है जो बोट स्पीकर के साथ आती है। तो सब चीजों को रखते हैं साइड में, बात करेंगे हम अपने मेन स्पीकर की। हो गया ओपन, ओके ये है फर्स्ट लुकिंग बोटस्टोन 250 की एंड आगे देखेंगे तो बोट का लोगो है। यहाँ पे एक 5 वोल्ट का स्पीकर है 2 इंच का अंदर एंड साथ में आपको आरजीबी देखने को मिलती है। यहाँ पे ऊपर बटन्स है कुछ, ये है आरजीबी का बटन मोड सेलेक्ट करने का, ये है वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड पावर बटन जो है मेन। एंड आयो कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको आयो कंपार्टमेंट में एक ऑक्स, एक आपको एसडी कार्ड पोर्ट एंड एक आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि जिसे आप चार्ज कर सकते हो इसको इजी। एंड पीछे की बात करें तो पीछे आपको एक पैसिव बेस रेडिएटर देखने को मिलता है, साइड में आपको छोटी सी स्टेप देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी है एंड नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन मिलती है। ये है बोट मॉडल स्टोन 250 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, इनपुट 5 वोल्ट 2 एम्पीयर एंड बाकी ये है। इसको ऑन करके देख लेते हैं कैसा ये दिखता है एंड यहाँ से हम करेंगे ऑन। ओके, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत ही ऑसम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही जबरदस्त स्पीकर लगता है ये देखने में एंड ये जो आरजीबी है ये तो बहुत ही ऑसम लगती है। आरजीबी के आपको 8 मोड देखने को मिलते हैं, इसमें आपको 8 मोड देखने को मिलते हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हो 1x1। जब आप प्ले करोगे इसको तब ये चेंज होगा, अदरवाइज जब तक ये कनेक्टेड नहीं है तब तक ये ऐसे ही घूमता रहेगा, आपको कोई चेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ इसको अपने स्पीकर के साथ, सॉरी लैपटॉप के साथ एंड तब देखेंगे कि कैसा ये साउंड देता है। तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है अपने उसके साथ, ज्वाइन करोगे जैसे इसकी एलईडी जो है वो चेंज हो जाएगी एंड जब आप अब इसको प्रेस करोगे तो देखो अलग अलग मोड्स आपको देखने को मिलेंगे एंड ये अलग अलग मोड है, ये मोड है ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये अलग अलग मोड्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अभी मैं प्ले करता हूँ इसमें कैंसिल साउंड एंड देखेंगे वॉल्यूम और बेस कैसा आपको मिलता है। Till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on. बेस एंड वॉल्यूम का छोटा सा डेमो है एंड आप देख सकते हो आरजीबी अब आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ से अलग अलग मोड्स में एंड ये आपको देखने को मिलेगी अलग अलग मोड्स में, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो 8 से 9 मोड आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर ठीक है, तो उसमें आप इसको लगा सकते हो एंड मेरे को काफी एक अच्छी फीचर लगी है ये, बेसिकली बहुत अच्छी लगी है। साथ ही आईपैक 7 रेटिंग के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी चीज लगी है। अब फाइनली बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की एंड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ही अमेजिंग स्पीकर है, मतलब ऊपर से नीचे तक सोलिड प्लास्टिक दिया गया है एंड हैवी स्पीकर है, आपको ये फील नहीं होगा कि स्पीकर में कोई भी कमी आने वाली है। एंड अगर बात करें इसकी साउंड की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, साउंड बहुत अच्छी है। एक स्पीकर जब आप देखते हो 2 इंच का स्पीकर है इसमें 5 वोल्ट का, उसको अगर आप देख रहे हो ना तो बहुत अमेजिंग साउंड आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, मतलब जितना छोटा है ना उसके हिसाब से बहुत लाउड है, बेस बहुत अच्छा है,
हालांकि अगर ये दो स्पीकर होते, ये सिंगल है, मोनो स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर होता तो बहुत जबरदस्त होता ये, बट ये सिंगल है एंड बेस बहुत अच्छा है। एलईडी का तो यार कहना ही क्या, मतलब रात के टाइम पे तो बहुत अमेजिंग हो जाती है एलईडी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब स्पीकर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इसकी ये वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाती है एंड ये मल्टी कलर लाइट बन जाती है, तो मेरे को ये बहुत ही अच्छी चीज एक इसकी लगी है। सो ओवरऑल स्पीकर की बात करें तो स्पीकर क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है एंड इसको परचेज कर सकते हो 1200 रुपए में, एक अच्छी डील है आपके लिए। कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छा स्पीकर है, बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटे का आपको मिल जाता है, हालांकि इतना ही होता है नॉर्मल स्पीकर को, क्या लोगे 800 mAh की बैटरी है सिर्फ इसमें एंड देन आपको इतना अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है। लेकिन एक बात याद रखना वो है विदाउट एलईडी है वो बैटरी बैकअप, अगर आप ऐसे यूज करोगे तो आपको 3 से 4 घंटे का ही बैटरी बैकअप ये देगा एलईडी के साथ, तो एलईडी ऑफ करके ही आप इसको इस्तेमाल करो ज्यादा बेटर है। सो मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्पीकर है, आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको खरीद सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है। हालांकि इसका कोई प्रमोशन वगैरह इतना नहीं हुआ हुआ है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए कॉम्पैक्ट छोटा स्पीकर प्राइस रेंज के अंदर तो वन ऑफ द बेस्ट ये आज के टाइम पे आपको मिल जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो, लाइक अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।